आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज गोवर्धन पूजा है और गौ पालकों के द्वारा आज गौ की पूजा की जाती है। वहीं आपको बता दें कि आज राजधानी पटना में सांसद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी दोनों साथ में गौ की पूजा की और वहीं आरती भी किया। और वहीं आपको बता दें कि रामकृपाल यादव ने ये लोगों से अपील भी किया कि सभी लोगों को गौ पालन करना चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे सांसद रामकृपाल यादव, अब देखिए इस वीडियो में। हम सब लोग गौ पालक हैं और हर साल दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर परंपरागत तौर पे हम लोग बाप दादा ही ये काम करते थे। मेरे यहाँ तो शुद्ध रूप से इसी का व्यवसाय रहा। तो गौ का वर्धन ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी मानते हैं और ख़ासतौर पर जो किसान परिवार है उनका लक्ष्मी पशु के माध्यम से ही होती है, चाहे वो दूध देने वाली हो, बैल हो, बछड़ा हो, यही पूंजी है। और उसकी अर्थव्यवस्था, गांव के किसानों की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा ये जड़िया है। तो लक्ष्मी माँ की पूजा तो हम लोग कर लिया, अब यही हमारी लक्ष्मी है, ये स्वस्थ रहे, खूब तंदुरुस्त रहे और हम किसानों को आर्थिक वृद्धि देता रहे। वैसे गोवर्धन पहाड़ था, भगवान कृष्ण ने जब गौ पालकों पर आपत्ति और विपत्ति आया था। रख करके लोगों को बचाने का भी काम किया, तो इसलिए आज हम सब लोग कृष्ण के वंशज हैं और भगवान कृष्ण को भी याद कर रहे हैं हम और गौ माता को पूजा करके इसका वर्धन होता रहे ताकि सुख समृद्धि सब लोगों का हो। आज हम पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं और एक अपील करना चाहेंगे। विगत दिनों में हमें लगता है कि उसे आज हमारा देश जो है दूध उत्पादन करने में नंबर वन का हो गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया है इसका वर्धन करने के लिए और हर तरह से अधिक से अधिक। और ये तो पवित्र है, अमृत है, अमृत दूध जो है अमृत है, शक्ति बढ़ाता है, लोगों को स्वस्थ रखता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो मैं अपील करूँगा कि आप गौ पालिए और दूध उत्पादन करिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए, लक्ष्मी का वास भी करिए। तभी आपने देखा सांसद रामकृपाल यादव ने आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ पूजा, गौ की पूजा भी की और वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील भी किया कि सभी लोगों को गौ पालन भी करना चाहिए। और वहीं उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक अलग से इसके लिए व्यवस्था भी की गई है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं वो गौ पालक करके अपनी बेरोजगारी को दूर भी कर सकते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे सांसद रामकृपाल यादव, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।